जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। तो जैसा कि हमने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको मैंने फैसलाबाद से दुबई के बारे में दिखाया था, तो अभी हम दुबई में बैठे हुए हैं। हमारा तकरीबन 10 से 11 घंटे का स्टे है, तो बहुत ज़्यादा स्टे है हमारा। बोर्डिंग स्टे तो नहीं है क्योंकि हमारे साथ दोस्त हैं, तो हम बड़ी चिल चिल कर रहे हैं। यहाँ से खाना शाना भी खाया मैकडोनल्ड से, तो इनका तारफ मैंने आपको पहले करवा दिया था। ये हैं जी हमारे उसामा भाई, ये हैं जी डॉक्टर शफाक साहब, और ये हैं जी डॉक्टर जानदेव, और वो डॉक्टर उसामा साहब। ठीक है, सो आपको मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये हमारे यूनिवर्सिटी के जनरल लीडर हैं, बाकी ये आपको खुद बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से अच्छे होंगे। मैं बेसिकली बखर से हूँ, बखर जनूबी पंजाब का लास्ट ज़िला कहा जाता है, और पसमानदा ज़िला भी है हमारा, और वहाँ पर डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं फॉरन कंट्री के लिए एमबीबीएस करने के लिए आया हूँ। हमारी रिटर्न टिकट थी, 10 घंटे स्टे था फैसलाबाद से दुबई, दुबई से फिर बिश्केक जी। अब 10 घंटे स्टे है, तो हम यहाँ पे बैठे हैं, सब टाइम गुजार रहे हैं, और दोस्तों में हम्बल गपशप हो रही है जी, और अपने जो लम्हात पाकिस्तान में गुजार रहे हैं वो हम एक दूसरे शेयर कर रहे हैं। एक अच्छा वक्त होता है यहाँ पे जब हम होते हैं एक साथ, एक भाइयों की तरह वक्त गुजरता है, और ये वक्त हमेशा याद रहता है, और एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत और प्यार ज़्यादा बढ़ती है। और इंशाल्लाह आपको, आप भी आएँ, आपको गाइडलाइन हम करते रहेंगे। आप आई एम बेस्ट यूनिवर्सिटी है, खुश की थी आप। थैंक यू जी जानदेव भाई, थैंक यू। सो अभी हम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट फ्लाइट का, तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि दुबई से बिश्केक में क्या प्रोसेस होता है, और मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि भी वीज़े का क्या प्रोसेस होता है। बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें वीज़े के बारे में बताया जाए, तो कैसे हमारा वो ऑन द अरेबल वीज़ा लगता है, तो मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, बिश्केक एयरपोर्ट पर जाके, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी तो फाइनली मैं बिश्केक में पहुंच चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वफ़ियत से। तो हमारे ग्रुप में टिकट थी तो सभी पहुंच गए हैं। अभी मैं अपने फ्लाइट पे बैठा हूं, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी हमारी कंप्लीट हो गई है। बाकी ये वीज़े का प्रोसेस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, टाइम शॉर्ट होने की वजह से कुछ थके भी हुए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।